ब्राह्मणों के राष्ट्रीय संगठन विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित कांची काम कोठी पीठ में 61 दिवसीय परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश में विप्र फाउंडेशन द्वारा 11 करोड़ रुपए की लागत से परशुराम कुंड में परशुराम भगवान की 51 फुट ऊंची पंचधातु की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस उपलक्ष में श्री कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम से आरंभ हुई इस अमृत भारत रथ यात्रा विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए शनिवार 19 नवंबर को संतरा नगरी पहुंची। इस दौरान सुबह 9 बजे विप्र फाउंडेशन की स्थानीय इकाई द्वारा अमृत रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर कलश यात्रा, पुरुषों द्वारा ध्वजा यात्रा, विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा तथा पंडितों के शंखनाद सहित गाजे बाजे के साथ पूर्व नागपुर के सतनामी चौक से लेकर लकड़गंज स्थित राजस्थानी ब्रह्म समाज भवन तक धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस आमंत्रण यात्रा में पीले चावल भी वितरित किए गए। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के द्वारा शाकाहारी का संदेश भी लोगों तक विशेष रूप से पहुंचाया गया। बीसी न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।